बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस की बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। धूमल ने कहा कि कांग्रेस के लोग चुनावों के दिनों में बातें करते हैं और अभी तो चुनाव बाकी है। धूमल ने कहा कि अवस्था हटाने के लिए सत्ता में आना जरूरी होता है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं आएगी। धूमल ने कहा कि अगर सेना को स्पेशल पावर नहीं देंगे तो आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकेगा। वहीं धूमल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होने से त्रिकोणा मुकाबला होगा और इससे निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए मंडी जिला प्रभारी नियुक्त भाजपा प्रदेश महामंत्री राम सिंह ने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और लोकसभा चुनाव में पार्टी को देश भर से 400 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र न केवल गांव व गरीब के हक में है बल्कि शहर के विकास और आम आदमी के विकास की बात करता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता से पूरा विश्व प्रभावित है। उनके नेतृत्व में देश में विकास ने गति पकड़ी है और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा का माहौल भी बना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिलने का आभास हो रहा है। राम सिंह ने दावा किया कि हिमाचल में 4 सीटों पर भाजपा की जीत होगी और पूरे देश में जीती गई सीटों का आंकड़ा 400 से पार चला जाएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 4 सीटों पर टिकट को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। कार्यकर्ता राहुल गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए एकजुट होकर कार्य करेंगे और 4 सीटें उनकी झोली में डालेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राठौर ने कहा कि आज के सम्मेलन में मंडी में पार्टी की गुटबाजी को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में नई बोतल में पुरानी शराब परोसी है। मोदी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कभी चाय वाला, कभी प्रधानमंत्री सेवक, तो कभी मैं चूं चौकीदार का नारा दे रहे हैं। इससे देश की जंग हसाई हो रही है। भाजपा धनबल से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। पंडित सुखराम की घर वापसी से कांग्रेस मजबूत हुई है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा भाजपा छोड़कर कब कांग्रेस में शामिल होंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर है। राठौर ने बाद में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर पंडित सुखराम, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, प्रकाश चौधरी, पूर्व सीपीए सोहन लाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के संसदीय सम्मेलन में गूंजा बीजभद्र का नाम। कभी कांग्रेस के मजबूत कर रहे मंडी संसदीय क्षेत्र में सियासी भंवर में फंसी कांग्रेस को अब वीरभद्र के सहारे की दरकरार है। मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों का सम्मेलन बिपाशा सदन में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कांग्रेस में वापस लौटे दिग्गज नेता पंडित सुखराम के अलावा मंडी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौर सिंह ठाकुर, विधायक विक्रमादित्य, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और रामपुर के विधायक नंदलाल, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 2 माह पूर्व ही उन्हें राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती है, वहीं पर युवा सोच को भी आगे बढ़ाती है। इसी के बीच संतुलन रखते हुए 4 प्रत्याशियों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम देने वाले ही विधानसभा के टिकट के दावेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी में भी चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिक ताकतों के बीच हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हिटलर की तर्ज पर काम कर रहे हैं। वहीं पंडित सुखराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से आश्रय शर्मा सांसद बन जाएंगे। वहीं पर केंद्र की सरकार बनाने में आश्रय का योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन के बाद ही भाजपा को मंडी में 9 सीटें मिली हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वीरभद्र सिंह मंडी में आश्रय शर्मा के प्रचार के लिए आएंगे।